चलते हैं जवाबी कीर्तन की ओर और इंतजार की घड़ियां समाप्त हो गई। इंतजार की घड़ियां राजवीर यादव बैंड पार्टी की ओर से समापन हुई है। चलते हैं अति शीघ्र जवाबी की ओर। चलिए आइए महाराज। क्या बात है, गुड तालियां। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। परम आदरणीय दादा श्री परशुराम जी और श्री लक्ष्मण जी की ओर से ये अब दादा क्या कहें, 50 पद 51 पद मुद्राएं दादा ने आज वाकई दादा आपने कमाल कर दिया। दादाजी वाकई आपने आज कमाल कर दिया और ऐसा फिल्लौर में धमाल कर दिया। अरे मैं तो कुछ भी नहीं था, मैं तो कुछ भी नहीं था। आपने मुझे माला और माल देकर माला माल कर दिया। आइएगा दादा, चलते हैं कार्यक्रम की ओर और जिस घड़ी का आपको इंतजार था अब चलते हैं उस घड़ी की ओर। दादाजी कोई बात नहीं, इतना ही बहुत हो गया क्योंकि सम्मान की पगड़ी बस बरेली तक ले जाऊंगा संभाल के। ऊपर रखो, ऊपर सीने से लगा। अरे नहीं कोई नहीं, ऊपर रखो, ऊपर रखो इसके लिए। लो साहब आगे रख दी। ठीक ठीक आएगा दादा, एक गीत सुनिएगा। सुनाइए। क्या सुनाइए? परम आदरणीय दादा श्री परशुराम जी की उर्षी परम आदरणीय दादा श्री सुशील त्रिवेदी जी और परशुराम जी की ओर से 51 रुपए का पावन आशीर्वाद है और मेरी ओर से पार्टी की ओर से नमस्कार है, आशीर्वाद की कामना करता हूँ। और दादाजी अब चलते हैं अति शीघ्र जवाबी की ओर और निवेदन करूंगा दीपमाला संकीर्तन मंडल के सक्षम कलाकारों से कि शब्दों पर ध्यान दें। क्या बात है दादाजी, एक गीत बजा। क्या बजा दादाजी? आपके जमाने में एक गीत बजा। क्या बजा? बजा कि कसम खाई बादे तो तेरा प्यार नहीं भूल तो
तो हम भूल गए रे हर बार, अरे हम भूल गए हर बार, मगर तेरा प्यार नहीं भूले। तो हम भूल गए रे हर बात, मगर तेरा प्यार नहीं भूले। हम भूल गए रे हर बात, मगर तेरा प्यार नहीं भूले। हम भूल गए रे हर बात, मगर तेरा प्यार नहीं भूले। देव का दरबार है क्योंकि शनि साईं धाम परिवार बरौली रोड बिल्हौर की ओर से, तो मैंने भी सोचा कि बाबा शनि देव के चरणों में पहला पुष्प मैं भी अर्पण करूं। सही बात है, यही तो मैंने सोचा, पहला पुष्प क्यों ना शनि देव जी के ही चरणों में अर्पण किया जाए। और आज दिन भी शनिवार है, तो चलते हैं प्रथम पुष्प शनि जी के दरबार में लेकर के। क्या बात है, और कहा कि नवग्रह में शक्तिशाली शक्तिशाली, आइएगा बता रहा हूं, कि नवग्रह में शक्तिशाली मेरे शनिदेव की माया है। नवग्रह में शक्तिशाली मेरे शनिदेव की माया के जो अतुलित बलशाली मेरे शनि देव की माया है। तो नवग्रह में शक्तिशाली मेरे शनि देव की Oh,
ध्यान दीजिएगा, केवल शब्दों पर। के होना था राज तिलक जिस दिन, उस दिन में क्यों वनवास हुआ। भगवान राम का राज तिलक होना था और उसी तिथि में भगवान राम को वनवास क्यों हुआ? क्यों? बाली वशिष्ठ की छोटी थी, जो गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा कि राज तिलक राम का होगा, तो या तो बाली झूठी थी और या फिर कि बाली वशिष्ठ की छोटी थी या ज्योतिष का उपहास हुआ। तो कैसी प्रभावशाली, अरे कैसी प्रभावशाली मेरे शनिदेव की माया है। राजा को रंक कर दे पल में, क्या बात है, बहुत बड़े डबरू। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। आराम से बहुत आराम से। मास्टर बाबू अली हो रहा है कि राजा को रंक कर दे पल में और रंक को माला माल करे, जिस पर हो कुपित शनिदेव मेरे हर ग्रह की टेढ़ी चाल करे। क्या बात, शब्दों पर ध्यान देना केवल। जिस पर हो कुपित शनिदेव मेरे हर ग्रह की टेढ़ी चाल करे, तो पाए काया काली। अरे पाए काया काली मेरे शनिदेव की माया है। तीसरी बात सुनेगा, सुनाइए। गंधर्व देव या नर किन्नर, यही तो है बात कि गंधर्व देव या नर किन्नर, दो लंगाड़े ला दे, सब पर ही शनि आ जाते हैं और कर्म कर्मानुसार निज बिज मानव, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। सही बात है, यही तो बात है। तो कर्मानुसार निज बिज मानव सब वैसा ही फल पाते हैं। और मेरे बाबा शनिदेव के भरते झोली खाली,
अरे भरती झोली खाली मेरे सन देव की माया चलते हुए कहना पड़ा क्या कहना पड़ा कि शनि सिंगनापुर में शिला रूप दरबार पाया जाता है सिंगनापुर के शनि सिंगनापुर में शिला रूप में अरे होती पूजा तुम्हारी है तिल तेल और गुड़ की पूजा चंदन शनि ने स्वीकारी है प्रभाव बाली अरे मिश्रित प्रभाव बाली मेरे सनि देव लेकिन आप लोगों ने बहुत ही शांति के साथ उसका सहयोग दिया बस आशीर्वाद की कामना है सभी की और ये 51 मुद्राओं के साथ हमारे आदरणीय श्री संजय भैया जी जो सामने आपके चैनल के लिए उपस्थित हुए हैं हमारे जिनके चैनल कशिश चैनल की नाम से चलता है बहुत ही अच्छे व्यक्तियों में है और इनका देश विदेश ही नहीं बहुत दूर दूर तक नाम है और अपने चैनल के माध्यम से हम कलाकारों को भी पहुंचाते हैं मैं उनको धन्यवाद देती हूं जिन्होंने इस बच्ची की हौसला अफजाई की है 51 पत्र मुद्राएं और एक चुनरी के साथ धन्यवाद है धन्यवाद भैया जी क्या बात है बहुत ही बहुमूल्य आशीर्वाद आया है 501 मुद्राओं का आशीर्वाद आदरणीय श्री साधना कटियार जी क्षमा करिएगा आदरणीय श्री सारिका कटियार जी जो कि प्रधान हैं उनकी ओर से 501 पत्र मुद्राओं का आशीर्वाद इस बच्ची को प्रदान हुआ है बहुत बहुत धन्यवाद है आशीर्वाद की कामना है और ये कुछ पत्र मुद्राएं और हैं ये मैं नाम नहीं मालूम है मुझे 51 मुद्राएं हमारे आदरणीय भैया जो भी दे गए हों अच्छा अच्छा क्षमा करिएगा ये 51 पत्र मुद्राएं हमारे भैया प्रधान जी हमारी बच्ची को दे गए थे
मैं उनसे आशीर्वाद की कामना करती हूँ और ये आशीर्वाद चाहूंगी कि हमारी इस छोटी सी बच्ची का भविष्य उज्जवल बना रहे, ऐसी कामना करते रहे हो। आइए चलते हैं शीघ्र। बहुत ही प्यारा गीत गाया हमारे आदरणीय श्री राजवीर भैया जी ने। बहुत प्यारा बहुत प्यारा बहुत ही प्यारा गीत गाया उन्होंने शनिदेव जी के विषय में। आदरणीय राजवीर जी ने बताया कि हमारे प्रभु शनिदेव में क्या क्या महानता है, क्या क्या विशेषता है और वो है क्या। धुन आई, बहुत ही प्यारी धुन आपने गाई। कौन सी बेटा? बस प्रयास है, सुनिएगा कहना है। ये उनके लिए कहा जाता है पर फिर भी आपने कहा ये आपकी खोज होगी। सुनिए कि जो अतुलित बलशाली मेरे शनि देव की माया, तो नव ग्रह में शक्तिशाली मेरे शनि हुआ है, जो कि खुद मंचन करते हैं और खुद एक अभिनेता है। आदरणीय श्री सुशील द्विवेदी जी, जो कि परशुराम जी के अभिनेता हैं, उनकी ओर से 201 मुद्राएं इस पगड़ी के साथ प्राप्त हुई हैं और 101 मुद्राएं हमारे आदरणीय श्री रजनीश शुक्ला जी
लक्ष्मण के अभिनेता हैं, उनकी ओर से एक पुष्पमाल और इस पगड़ी भरा आशीर्वाद प्रदान हुआ है। बहुत 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 धन्यवाद है। और बस इसी आशीर्वाद की कामना सारी उम्र मैं करती रहूंगी, क्योंकि आप लोग स्वयं मंचन करते हैं, स्वयं कलाकार हैं और दिग्गज कलाकारों में एक है। धन्यवाद है इस आशीर्वाद के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद है। आइए देखे जवाब, जवाब मैं वहां से ला रही हूँ। आपने आपने शनि देव जी की महिमा बताई और मैं उनका प्राकट्य बता रही हूँ। क्या बात है, क्या बात है। मैं उनका प्राकट्य बता रही हूँ कि शनि देव जी कैसे आए। सुनिएगा राजवीर जी कहना के है सूर्य वंश की शान। संज्ञा ने जब अपने तेज को प्रकट किया तो उनका तेज
प्रस्तुत हुआ, छाया के रूप में आया, इसलिए कि अपने तन तेज को प्रकट किया तो छाया विचलित है, कह रहे हैं कि मेरी माँ कहाँ है। और जब उन्हें उनकी माँ नहीं मिल रही है तो देखिए वो कुपित होकर सारे ग्रहों को, नक्षत्रों को अपने अंकुश में कर लिया और हाहाकार मचा दिया। इस भूमंडल में हाहाकार मचा दिया तो देखिए देखिए होता क्या है, सुनिएगा। कहना है कि फिर दहल गया ये you
एक बार प्रेम से बोलिए शनि भगवान की जय।